सभी का एक बार फिर से स्वागत है हॉस्टल वर्डन की क्लास पर। आज से स्टार्ट करते हैं, आज आपका 7 नवंबर है। हॉस्टल वर्डन के क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आपके विगत वर्षों के प्रश्न लेकर आए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। ज़्यादा समय न गंवाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल कंप्यूटर के 50 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके विगत वर्षों क्वेश्चन हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं छात्र और अधीक्षक के, उसके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं। 1 नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की जो क्लासेस होती है रात 8 बजे होती है और गणित की क्लास 5 बजे होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, WMV का विस्तार होता है, तो WMV का विस्तार होता है विंडो मीडिया वीडियो। तो आपके आंसर कौन सा दिख रहा है, विंडो मीडिया वीडियो आपके आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है। कल के क्लासेस में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के विज्ञान की क्लास में, ठीक है। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न स्तरीय प्रोग्राम है SML, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा SMS वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट डॉट बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा F5। F5 क्या है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बटन दबाने से, ठीक है, जो F5 होता है वो आपको फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को डायलॉग बॉक्स को खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो आपके आंसर में एक कंप्यूटर कोड भी होता है, ठीक है, कंप्यूटर कोड होता है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं, कोड भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर कोड होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर, देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि CG व्यापम कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। निःशुल्क क्लासेस कराई जा रही है, 1 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। जो लोग नए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा परम सुपर श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो आपको हो जाएगा परम क्रांति ऑप्शन ए, ठीक। नोट है बिट का तात्पर्य होता है, बिट का तात्पर्य होता है मतलब बाइनरी डिजिट, ठीक है। ये आपका आंसर ए हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा हिंदी वायरस है। आप सभी को मालूम है हिंदी वायरस एवस्त, मैकफी, क्विक हिल, नॉर्थन और कास्पर इसका, ये सब हिंदी वायरस है, तो आपके ऑप्शन में है एवस्त, AVG, नॉर्थन, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्क टॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर होता है वो आपको पब्लिश के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद है निम्न में से 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया है, तो आपका हो जाएगा चार्ल्स हुल ने किया है, ठीक है। किसने किया, चार्ल्स हुल ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया है। हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन पेपर का PDF मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। AVX का होता है, AVX मतलब AVX, ठीक है, AVX का ग्रीक शब्द होता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये 11वां का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से स्पूफ कहा जाता है, लेकिन आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं, तो सर्च इंजन से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। इसके बाद है SEO का विस्तार होता है, तो SEO का विस्तार आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB से अधिक भंडारण कर सकता है, तो आपको ब्लू रे डिस्क हो जाएगा, ठीक है। ब्लू रे डिस्क है जो 25 GB से अधिक भंडारण क्षमता कर सकता है। इसके बाद है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो देखिए जो एक 0, 1 और लंबी श्रेणी उसे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से स्टोरेज मीडिया के और सूचित एक्वेटन प्रदान करता है, तो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप है जो स्टोरेज मीडिया को अधिगम प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद है आपका क्विक टाइम फॉर्मेट के द्वारा विकसित किया जाता है, तो क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल के द्वारा विकसित किया जाता है, किसके द्वारा, एप्पल, ठीक है, एप्पल के द्वारा विकसित किया जाता है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो आपको हो जाएगा हैकू,
हैकू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, वो आपका जायस्टिक है, ठीक है। जायस्टिक आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या आप सभी को पता है चार होती है, ठीक है, मूल रंगों की चार। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। जो फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिस्क में फ्री स्पेयर हो सकता है, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। फ्रॉक क्या है, फ्रॉक एक नई प्रक्रिया का बनना होता है, फ्रॉक नई प्रक्रिया का बनना होता है, ठीक है, बनना, ठीक है, एक नई प्रक्रिया का बनना होता है। इसके बाद है बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर होता है, यह हेडर, ये जो हेडर और फुटर है प्रिंटर रहता है हर पन्ने पर होता है, हर पन्ने पर होता है या प्रत्येक पन्ने पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, हर पन्ने पर या फिर प्रत्येक पन्ने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले पन्ने पर नहीं होगा राकेश, हर पन्ने पर होगा। मैं आप सभी को मैं बोल चुका हूँ कि 1 नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस पढ़ाया जा रहा है। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 70% गारंटी देता हूँ। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी के लिए कि स्लाइड शो देखने के लिए स्लाइड शो F5 से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता, तो आपका स्पेस जो है, ठीक है, स्पेस है आंसर इसका। और याहू गूगल और एमेसन क्या होता है, याहू गूगल और एमेसन क्या होता है, एक इंटरनेट साइट है, इंटरनेट है ना, इंटरनेट के माध्यम से इसको उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जीमेल द्वारा भेजी जाने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, आप सभी को मालूम है कि जीमेल द्वारा भेजी जाने वाली अधिकतम क्षमता 25 MB होती है, ठीक है, 25 MB होता है। इसके बाद हो जाएगा किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, क्या, शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। इसके बाद है MPG किस प्रकार का फाइल है, तो MPG क्या है, एक वीडियो है, ठीक है, वीडियो, MPG एक वीडियो है, जबकि IMG क्या है, एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है, फोटो, ठीक है, इसको फोटो व्यू बोलते हैं। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये विगत वर्षों में कम से कम 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका CD-ROM क्या है, CD-ROM का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, जो आपके आंसर में नहीं दिया है, तो इसका आंसर में उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। DVD क्या है, DVD एक डिजिटल वीडियो डिस्क है, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है जाएगा खोज इंजन बैजू कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो बैजू है आपका चीन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद है EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, आपके आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सी हो जाएगा। गीगो एक क्या है, गीगो एक शुद्धता शब्द है, ठीक है, गीगो एक शुद्धता शब्द है। इसके बाद लेजर प्रिंटर से क्या प्राप्त है, जो लेजर प्रिंटर होता है वो एक पेज प्रिंटर होता है। इसके बाद है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है, इसको बारकोड कहा जाता है, ठीक है, बारकोड कहा जाता है। वेब कलर को भी क्या जाता है, बेबी स्पाइट कहा जाता है, बेबी स्पाइट यानी कि बेबी स्पाइट कहा जाता है। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है, तो चीन में सबसे प्रसिद्ध इंजन बैदू है, ठीक है, बैदू। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं, और स्लाइड शो देखने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, तो आप बताइएगा कि F3 देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हो जाएगा कि किसी व्यक्ति की पहचान की हेरा फेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो आपका फिशिंग स्कैम कहलाता है, ठीक है, फिशिंग स्कैम कहलाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खाली संख्या के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो आपका पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ये जो आप सभी को बताया था वो इमेज के लिए होता है, ज्वाइंट फोटो अभी हाल ही में पहले बताया हूँ मैं, ठीक है। और जो MP4 होता है वो आपका वीडियो होता है, ठीक है, MP4 वीडियो होता है। IMG क्या होता है, GPG एक फोटो इमेज होता है, इमेज, ठीक है। इसके बाद है एक्सेल शीट की एक पंक्ति को छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9, ठीक है, कंट्रोल प्लस 9
इसके बाद हो जाएगा, यह एक यूनिक्स के जैसा मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है, किसके तारतम्य से बना होता है, फ्रेम के तारतम्य से, ठीक है। इसके बाद निम्न में से अलग कौन सा है, तो बायोस, बायोस क्या है, एक अलग है, क्योंकि देखिए सीडी डीवीडी फ्लॉपी और एचडी ये सब अलग है, ठीक है। इसके बाद एक्सेल शीट के एक पूरी कॉलम या स्तंभ का चयन करने तो आवश्यक शॉर्टकट क्या है, तो आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा सबसे तेज एक्सेस टाइम है, तो सेमी कंडक्टर हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि उच्च गुणवत्ता कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट टू डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा फ्लाटर, ठीक है। आप सभी के लिए मैं 50 एमसीक्यू करा दिया हूँ, पार्ट वन वीडियो है ये, आप सभी के लिए पार्ट वन वीडियो पहला वीडियो था। इसका पार्ट टू वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। डेली क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, 1 नवंबर से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ व्यापम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, रात 8 बजे, शाम 5 बजे और सुबह 9।